हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है मल्टीपल पोस्ट की। उस नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज्ड में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ मेंशन किया गया है वैकेंसी एडवर्टाइज्ड, देन करेंट वैकेंसीज एंड आर्चिव्ड। तो करेंट वैकेंसीज में जाना है। करेंट वैकेंसीज के सीरियल नंबर 2 में मेंशन किया गया है वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/23। तो यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से पब्लिश की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को 24 फेब को पब्लिश किया गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 01/23। इंपॉर्टेंट नोट में मेंशन किया गया है एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। नेक्स्ट है ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 9 मार्च से ये एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो रहा है और क्लोजिंग डेट जो है वो 7 अप्रैल है। जितनी भी पोस्ट मेंशन की गई वो सारे पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन से है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। पोस्ट के डिटेल में आते हैं जिसमें पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ग्रुप, ग्रेड पे और वैकेंसी मेंशन की गई है। फर्स्ट पोस्ट है इंस्ट्रक्टर मिल राइट की, डिपार्टमेंट DTTE, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ग्रुप बी, ग्रेड पे 4200, टोटल पोस्ट है 7। सेकेंड पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रेड पे 4200, ग्रुप बी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2। नेक्स्ट मेंटेनेंस मैकेनिक, ग्रुप बी, ग्रेड पे 4200, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1। नेक्स्ट पोस्ट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, ग्रेड पे 4200, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4। नेक्स्ट पोस्ट है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फॉर डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। ग्रेड पे, ग्रुप और डिपार्टमेंट सिमिलर है। सिक्स्थ है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11 है। पोस्ट है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्रॉटमैन सिविल फॉर NTC और STC और NAC होल्डर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 19। एट्थ है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्रॉट्समैन सिविल फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5। नेक्स्ट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फिटर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13। नेक्स्ट है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11। नेक्स्ट है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7। नेक्स्ट है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सेम। इंस्ट्रक्टर फैशन डिजाइनर एंड टेक्नोलॉजी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फैशन एंड टेक्नोलॉजी डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5। नेक्स्ट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर टर्नर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8। नेक्स्ट है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्विंग टेक्नोलॉजी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्विंग टेक्नोलॉजी डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वेल्डर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8। देन क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फूड प्रोडक्शन, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फूड प्रोडक्शन, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6। नेक्स्ट है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2। नेक्स्ट मैकेनिस्ट के लिए 5, ड्रॉटमैन मैकेनिकल 5। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्रॉटमैन मैकेनिकल डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1। नेक्स्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 26। वर्कशॉप अटेंडेंट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 45। ये टोटल वैकेंसी जो है वो 258 है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है क्लोजिंग डेट इस एप्लीकेशन का 7 अप्रैल है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से वैकेंसीज के डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मेंशन किया गया है। ये पीडीएफ जो है 34 पेजेस का है। तो कैंडिडेट्स यहाँ मल्टीपल पोस्ट है तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। तो आप क्वालिफिकेशन क्लियरली चेक कर लें कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लें। तो नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई, जिसमें यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है जहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट की लिंक है जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट 9 मार्च है और लास्ट डेट 7 अप्रैल। कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लें। एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन है और मोड ऑफ पेमेंट भी ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, वीमेन कैंडिडेट, SC ST, PWD और एक्स सर्विस मैन के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और एप्लीकेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम, जिसमें मेंशन किया गया 1 टायर टेक्निकल एग्जाम होगी। ये कोड मेंशन किया गया है पोस्ट कोड 01/23 to 31/23। एग्जाम कोड है ITT। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स। टोटल क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस रहेगी। क्वेश्चन का पैटर्न MCQ रहेगा। मार्क्स 200 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स एंड टोटल 200। तो ये एग्जाम जो है वो MCQ टाइप की होगी। टोटल मार्क्स जो है 200, टोटल क्वेश्चंस नंबर 200 और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स। सिलेबस को चेक कर लेते हैं, जिसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी मेंशन किया गया है। MCQ टाइप है, जिसमें सब्जेक्ट मेंशन किया गया है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंसन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंसन। तो इन सारे सब्जेक्ट से MCQ टाइप क्वेश्चन दी जाएगी और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ठीक है, और यहाँ जो 5 सेक्शन दिए गए हैं, 5ों सेक्शन से 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ये नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क अकॉर्डिंग, अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए गए उस पोस्ट के कंसर्न सब्जेक्ट से यहाँ MCQ टाइप क्वेश्चन पूछी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एंड टोटल मार्क्स 100। तो ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/4 मीन्स 0.25 मार्क्स डिडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट है मोड ऑफ सेलेक्शन, की गई है। नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन, इसमें अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एज मेंशन किया गया है कि SC ST के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स, अदर्स कैटेगरी के लिए मेंशन किया गया है, इसको चेक कर लें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को समझ लें। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लें।